माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर एट फ्री यूट्यूब चैनल। ओम शांति। आज विशेष आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं, और आपने ये प्रश्न कई बार पूछा है, कभी ईमेल्स के माध्यम से, कभी व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से, कभी मेरे आसपास के बहनों भाइयों ने, और कभी सेंटर्स पर, कि आप ये चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं करते हैं। और सबको तो मैं जवाब नहीं दे सकता, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं और आप देखिए कि क्यों नहीं हम इसे मोनेटाइज करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, अगर हम किसी चैनल को मोनेटाइज करते हैं तो क्या होता है? अगर ये चैनल मोनेटाइज होता है तो इसमें एड्स आएंगी, और हर वीडियो के बीच में कई बार एड्स आएंगी। एक वीडियो में ऑन एन एवरेज मान लो 5 बार एड आती है, जो कि आप अनुभवी हैं, एड्स आती हैं, 5 बार एड्स आती हैं। एक एड कम से कम 10 सेकंड चलती है, क्योंकि आजकल तो स्किप करने का भी ऑप्शन सब में नहीं आता, तो एवरेज मान लो 10 सेकंड वो एड चलती है, और 5 बार एड आई, 10×50 यानी 50 सेकंड की वो एड हो गई, राइट, एक बार में। और मान लो एवरेज एक वीडियो पर 1 लाख व्यूज हैं, तो 1 लाख × 50 अगर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 50 लाख्स, लाइक 50 लाख्स सेकेंड्स, और उन्हें हम घंटे में बदल दें तो लगभग 125 घंटे, यानी एक वीडियो के माध्यम से हम आपके 125 घंटे व्यर्थ कराने के निमित्त बन जाते हैं। संगम पर परमात्मा कहते हैं, सबसे बड़े 2 खजाने समय और संकल्प। समय का खजाना मात्र एक वीडियो के माध्यम से 125 घंटे आपके खराब कराने के निमित्त मैं बन गया, यानी समय का खजाना कितना वेस्ट हुआ, इसका कितना बोझ मेरे सर पे आएगा, अब आप खुद सोचना। चलते हैं, देखते हैं संकल्प का खजाना। एक वीडियो पर 1 लाख व्यूज है, एड्स आ रही हैं, जब भी एड्स आती हैं, आप अनुभवी हैं, सबका अनुभव है, जब एड्स आती हैं क्या करते हैं, हम जैसे आप वीडियो देख रहे हैं यूं पूरे फोकस हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वीडियो है, नॉलेज भरी है वीडियो में, और चलो कैसे भी वीडियो हो आप उसे देख रहे हूं, एकदम फोकस्ड है पूरी तरीके से, राइट, फोकस है, तभी क्या होता है, बीच में एड आ जाती है। एड आती क्या होता है, आप क्या कहते हैं, अरे भाई क्या है, राइट, यानी कि जब भी एड्स आती है आप निमित्त को, जिसने एड्स लगाई है, उसे ब्लेसिंग्स तो नहीं देंगे, तो मुझे आप ब्लेसिंग तो देंगे नहीं, और मैं चाहता हूं ब्लेसिंग्स, मैं सेवा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ब्लेसिंग्स मिलें, और यहां तो ब्लेसिंग्स के ऑपोजिट एनर्जी मिल रही है, क्योंकि अगर 5 बार एड आ रही है एक वीडियो में, और आप बार बार उस वीडियो को देखते रहते, ये क्या है, ये क्या चला रखा है, बोलते हैं ना, अब एवरेज मान लीजिए अगर एक व्यक्ति केवल 10 व्यर्थ संकल्प चलाता है एड्स देखने के दौरान, और 1 लाख व्यूज है एक वीडियो पर, 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो यह बैठता है 10 लाख व्यर्थ संकल्प एक ही वीडियो पर मुझे मिल गए। परमात्मा दुआओं की बात करते हैं, हमें श्रीमत देते हैं, और मैं सेवा करके भी अगर व्यर्थ संकल्पों के माध्यम से बैड एनर्जी रिसीव करूं तो मेरा सेवा करने का क्या औचित्य, क्या मतलब रहा? 10 लाख व्यर्थ संकल्प मात्र एक वीडियो पर मुझे मिले हैं, उसका बोझ मुझे कितना चढ़ेगा? तो मुझे ये लगता है इसलिए मैं ये चैनल मोनेटाइज नहीं करना चाहता। और एक कारण आपको बताता हूं, जब हम कोई भी वीडियोस देख रहे होते हैं ना, तो हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, कि पूरे फोकस हो जाते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड सुषुप्त हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड तो 24 घंटे जाग ही रहता है, जब कॉन्शियस माइंड वो डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता ना, तो जो भी बात हम सुन रहे, देख रहे, पढ़ रहे होते हैं वो सीधी अंदर जाती है। अब आप वीडियो देख रहे हैं, पूरे फोकस है, तभी एक एड बीच में आती है, सबकॉन्शियस माइंड पूरा फोकस है, एड बीच में आती है, एड में दिखाया जाता है फैशन चलचित्र से जुड़े देह भान को बढ़ाने वाले एड्स। दूसरा नॉनवेज
के ऐड, अनियन गार्लिक युक्त खाद्य पदार्थों के ऐड और विकारों से जुड़े ऐड जो हमारे किसी काम के नहीं, वो सीधे हम देखते हैं और हमारे सबकॉन्शियस में सीधे एंटर करते हैं। और आप, हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं बात कि अधिकतर जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने अभी अभी राजयोग सीखा है, जो धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं, वही अधिकतर क्लासेस सुनते हैं, राइट? वही अधिकतर सुनते हैं। जो पुराने हैं, मैं नहीं कहता नहीं सुनते, वो भी सुनते हैं, लेकिन उनकी शक्ति इतनी है कि अगर ऐसी एड्स आए तो उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन नया बच्चा है ना, वो अवॉइड नहीं कर पाएगा। मान लीजिए उसने आज संकल्प किया था कि मैं अब से अपना खान पान शुद्ध करूंगा, वो क्लास सुन रहा है, क्लास से मोटिवेट हो रहा है, इसी बीच अनियन गार्लिक युक्त मांसाहार से जुड़ी एड जो कि प्रेजेंटेशन इतनी खतरनाक होती है कि उसे देखने के बाद किसी के मन में एक सेकंड के लिए तो आ ही जाए कि हाँ चलो टेस्ट करते हैं। अब वो अभी नया नया ज्ञान में है, वो सोचेगा उसे देख के, चलो आज और कर लेता हूं, कल से भोजन शुद्ध करूंगा। अच्छा, इस पॉइंट पर भी विचार करिएगा, विचार करिए कि मुझे सेवा केंद्र पर परमात्म महावाक्य पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है या सेवा केंद्र पर क्लास कराने का अवसर मिलता है। मुरली पढ़ने से पहले मैं कुछ प्रोडक्ट्स के ऐड करता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे उसके लिए पैसा मिलता है, धन मिलता है, राइट? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने जो बैठे हैं ये प्रोडक्ट उनके किसी काम का है या नहीं है, मुझे केवल ऐड करनी है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ऐड की, उसके बाद मैं परमात्म महावाक्य पढ़ता हूँ 5 मिनट, फिर रुक जाता हूँ, फिर दूसरा प्रोडक्ट उठाता हूँ। और प्रोडक्ट हम कैसे उठा रहे हैं ये भी ध्यान देना, आप जानते हैं जब एड्स आती हैं उनमें किस तरह के प्रोडक्ट उठाए जाते हैं, फैशन चलचित्रों से संबंधित देह भान को बढ़ाने वाली एड्स होती हैं, अनियन गार्लिक युक्त नॉन वेज खाद्य पदार्थों की ऐड होती है, और बहुत सारे विकारों से जुड़े प्रोडक्ट होते हैं उनकी ऐड होती है। ऐसे प्रोडक्ट की ऐड परमात्म महावाक्यों के बीच में मैं करूं, वो भी सेवा केंद्र पर, तो कैसा लग रहा है सुनने में? देखो मुझे बोलते हुए भी कितना अजीब लग रहा है, तो सुनने में कैसा लग रहा होगा। लेकिन यही कार्य मैं ऑनलाइन करता हूँ, यूट्यूब पे करता हूँ, तो चलेगा आपको? बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट? जिस प्रकार मैं सेवा केंद्र पर श्रीमद् प्रमाण करता हूँ, उसी प्रकार ये सेवा ऑनलाइन भी होनी चाहिए, क्योंकि ये वही सेवा है, कोई अलग सेवा नहीं है। और यूट्यूब यहाँ पर ज़बरदस्ती कोई एड्स नहीं लगाता है, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि एड्स लगाने ही हैं, तो फिर मैं क्यों ऐड लगाऊँ? जब कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यूट्यूब का कहना नहीं है कि लगाना है या नहीं लगाओगे तो चैनल डिलीट कर देंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर मैं ऐड क्यों लगाऊँ? तो इसलिए चैनल मोनेटाइज नहीं है। अब गौर करिएगा इस पर, अभी मैं आपके सामने पॉइंट रख रहा हूँ, आप देखते जाना, आज के बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे कि ये चैनल आप मोनेटाइज कर लो। एक बात बताऊँ, मुझे याद है जब मुझे ज्ञान मिला था तो घर पे टीवी पर पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल जो आता है मैं उसे देखा करता था, तो उसमें जब कंटेंट देख रहे हैं, प्रोग्राम्स देख रहे हैं, तो बीच में कभी एड्स नहीं आती और आज भी नहीं आती हैं, तो वो देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था और गर्व से मैं जो नॉन बीकेस थे जिन्हें ज्ञान नहीं मिला है उनसे कहता था कि देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पैसे के लिए काम नहीं करती है, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता था और मुझे वहीं से प्रेरणा मिली। हालांकि जब तो मेरे मन में दूर दूर तक ये नहीं था कि कभी बाबा मुझे भी यूज़ करेंगे इस तरीके की सेवाओं में, लेकिन जब किया तो मुझे यही मन में रहा कि जैसे एड फ्री पीस ऑफ माइंड टीवी और साथ में अभी अवेकनिंग टीवी पर भी ऐड नहीं आती, ये दोनों चैनल्स पे जिस तरह एड्स नहीं आती, मुझे भी इसी तरीके से सेवा करनी है। और उसी चीज़ से प्रेरित होते हुए आज वही चीज़ मैं कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, बहुत सारी आत्माएं मिलती हैं, बहुत सारे भाई बहन मिलते हैं, सेवा केंद्रों पर जाते हैं प्रोग्राम के दौरान, बहुत अप्रिशिएट करते हैं।
तो ये प्रेरणा तो मुझे वहां से मिली है। आगे बात करते हैं, जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि भाई देखो धन तो बहुत ज़रूरी है, धन के बिना थोड़ी ना काम चलेगा, पैसा तो चाहिए, और अगर आप मोनेटाइज करते हैं तो आपको काफ़ी सारा पैसा आएगा, उस पैसे को आप यज्ञ में दे सकते हैं, सेवा में दे सकते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये बात मुझसे बहुत बोली जाती है। इसका आकलन करके देखते हैं, अगर इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी के साथ मेरे पास धन आता है तो क्या उस धन को पवित्र धन कहा जा सकता है? क्या इस धन के माध्यम से कोई सेवा हो सकती है? अगर मैं ऐसा धन यज्ञ में देता हूँ तो सचमुच क्या उससे विश्व कल्याण हो सकता है? ये भी देख लेते हैं। जब हमने व्यर्थ संकल्पों की बात की, समय वेस्ट करने की बात की, और जो नए नए बच्चे हैं उन्हें मैं वीडियोस में अनियन गार्लिक मांसाहार की एड दिखा रहा हूँ, फैशन चलचित्रों की एड दिखा रहा हूँ, मैं उन्हें विकारों से जुड़े प्रोडक्ट्स की एड दिखा रहा हूँ, और उसके बाद मेरे पास कोई धन आता है, उस धन को मैं खुद पर यूज़ करता हूँ और यज्ञ में देता हूँ, तो उससे मुझे कितना सुख प्राप्ति होगी, ये बात अब छिपी हुई नहीं है। क्योंकि श्रीमत है, आप जानते हैं, यज्ञ के आदि में एक बार ऐसा हुआ था कि यज्ञ में बैगरी पार्ट आया था, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। जब भी, यानी कि अभी सवेरे भोजन किया, दोपहर का पता नहीं होता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया। उनका दृढ़ निश्चय था कि शिव बाबा का हम सबसे ये वायदा है कि मैं दाल रोटी अंत तक खिलाता रहूंगा, फॉलो ब्रह्मा बाबा। जब ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया तो मैं उन्हें फॉलो क्यों नहीं कर सकता? तो मेरा भी यही दृढ़ निश्चय है कि बाबा ने मुझसे भी वायदा किया है कि बच्चे अंत तक दाल रोटी खिलाता रहूंगा। जब वायदा उसने किया हुआ है तो मुझे सब कुछ ये क्यों करना है? दाल रोटी वो देता रहेगा, और मेरी ये प्रतिज्ञा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है सबके सामने कि ये चैनल संगम युग के अंत तक, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ये मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, डिमोनेटाइज्ड ही रहेगा। ये चैनल आपके लिए है, ये आपकी सेवा में है, और यहाँ पर आपको कंटेंट इसी तरीके से एड फ्री मिलता रहेगा, जो हमारे पुरुषार्थ में सचमुच बहुत लाभकारी होता रहेगा। तो ये मेरा आपको वचन है, ये प्रतिज्ञा है कि ये हमेशा डिमोनेटाइज्ड ही रहेगा। कई बार आप कहते हैं कि धन की अति आवश्यकता होती है। देखिए, धन सब कुछ नहीं है, लेकिन धन बहुत कुछ है। धन के बिना बहुत सारे काम रुक जाते हैं, लेकिन धन इस तरह से आए तो अभी तो ऐसा लगता है कि वो काम हो रहा है, लेकिन आगे वो कार्य विघ्न से भर जाता है, विघ्नों से भर जाता है। फिर हम कहते हैं, पता नहीं मेरे काम क्यों नहीं बनते हैं। आगे आप कहते हैं कि भाई आप ये सेवा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो कुछ तो रिटर्न होना चाहिए। अगर आप सचमुच कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे कई बार कहते भी हैं कि भाई साहब इस चैनल के माध्यम से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और हमारे पुरुषार्थ में बढ़ोतरी हुई है, तो हम कुछ सफल करना चाहते हैं, हम कुछ देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, आप रिटर्न करना चाहते हैं तो ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इस चैनल पर लगभग अब तक 3 करोड़ व्यूज़ हैं, 3 करोड़, यानी 3 करोड़ लोगों ने अब तक इस चैनल पर लाभ उठाया है, 3 करोड़ व्यूज हैं। मैं कहता हूं 3 करोड़ में से मान लो ये बात केवल 1 लाख लोगों को इतनी पसंद आई है कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन हो जाने के बाद मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हर महीने केवल 100 रुपये जिस भी सेवा केंद्र से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर दान करें, वहाँ पर सफल करें। और मान लीजिए अगर 1 लाख लोग हर महीने, रोज भी नहीं, और 3 करोड़ की बात नहीं कर रहा, उनमें से केवल 1 लाख, 1 लाख लोग यानी 1 लाख आत्माएं 100 रुपये हर महीने सफल करें यज्ञ में या मधुबन, तो अगर हम 1 लाख की 100 में मल्टीप्लाई करें तो बैठेगा 1 करोड़। काफ़ी प्रैक्टिकल साउंड करता है, कोई हवा में बात नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और आपको भी लग रहा होगा तो काफी प्रैक्टिकल है। तो यानी कि देखा जाए, इस चैनल के माध्यम से
अगर आप ये कहते हैं मुझसे, तो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, 1 करोड़ रुपए दान हो सकता है और उससे बहुत सेवाएं हो सकती हैं, जो कि यज्ञ में बहुत सारी की जाती हैं, हो सकती हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप मुझे सचमुच कुछ रिटर्न देना चाहते हैं। तो अंततः मैं यही कहूँगा कि ये चैनल हम सबका है, आपका है, हमेशा ऐसे ही रहेगा। मिलकर सेवा करते रहेंगे। ओम शांति।